नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियाज गेस्ट डेडी में। और आज हम बात करेंगे वीवो V27 प्रो और ओप्पो रेनो 85G के बारे में। गाइज अगर आप देखेंगे तो दोनों के बैक साइड से जो लुक मिलेगा आपको वो मैट में साथ मिलेगा, बट जो कैमरे का साइज़ वगैरह होंगे वो आपको वीवो के फोन में थोड़े से छोटे छोटे साइज़ मिलेंगे। बाकी दोनों ही फोन आपको कर्व डिस्प्ले के साथ मिलेंगे। स्लीकलेस ऑलमोस्ट दोनों की सेम मिलेगी आपको, 120Hz पे ही दोनों ही वर्क कर रहे हैं। डिस्प्ले क्वालिटी आपको सेम मिल रही है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही मिलेगा गाइज। इसके अलावा अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा जो आपको मिलेगा वो आपको वीवो के फोन में आपको 50MP कैमरा मिल रहा है। ओप्पो के फोन में जो आपको कैमरा मिलेगा वो आपको 108MP कैमरा मिल रहा है। बट अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी वाइज आपको ड्रिलिंग जो आपको नजर आएगी वो वीवो के फोन में थोड़ी सी ज्यादा बेटर नजर आएगी। एंड यहां पर आपको वीवो में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि आपको ओप्पो के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा। एंड मैक्रो लेंस आपको दोनों में ही मिलेगा, आपको वो वीवो में भी और ओप्पो में भी। अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आपको वीवो के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मिलेगा, जहां पर ओप्पो में आपको नॉर्मल फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मिल रहा है। फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूं, फ्रंट कैमरा आपको वीवो में 50MP और ओप्पो में 32MP है।